तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने चैनल पर बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने 2000 की रेंज में आप अपने सबसे बेस्ट हेडफोन्स जो कि मेरी तरफ से हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे कि आपको कौन से हेडफोन्स ये हैं जिनके अंदर मेरे को क्या अच्छा लगा और क्या क्या इसके अंदर अच्छी बात है और क्या क्या इसके अंदर बुरी बात है, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग में हम इन्हें देखेंगे कि इसकी कैसी पैकेजिंग है, कैसी कंडीशन में आते हैं और क्या क्या पार्ट्स इसके साथ हमें मिलते हैं। पहले हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो अनबॉक्स करने से पहले हम बता दें कि ये पहले से ही अनबॉक्स था, इसलिए हमने दोबारा इसे अनबॉक्स कर रहे हैं। इसके अंदर आपको दो वायर देखने को मिल जाती है, एक रेड और एक ब्लैक, और बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ आया हुआ है। चलिए अब हम अपने बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। पहले हम अपने बॉक्स खोलते हैं। इसके अंदर आपको मिलता है एक लेदर फिनिश वाला एक पाउच देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। ये हेडफोन्स आपको कुछ इस तरह के देखने को मिल जाते हैं जैसा कि मैं ये वीडियो में शो कर रहा हूँ। तो ये हेडफोन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं और इनकी जो देख के क्वालिटी आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। तो हम इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, जो कि मैंने अपने खुद के ओपिनियन से बता रहा हूँ मैं ये। तो इस हेडफोन में आपको एक अच्छी खासी स्टील का यूज़ किया गया है ताकि ये ड्यूरेबल रहें और काफ़ी अच्छे रहें। तो अब हम इसकी वायर क्वालिटी को देख लेते हैं। तो इसमें आपको 6.3 mm जैक और 3.5 mm जैक वाला एक वायर मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप अगर म्यूज़िक का काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि आपके ज़्यादातर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इसी पे काम करते हैं। इसके अंदर आपको एक स्प्रिंग स्ट्रक्चर वाली वायर देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा थिक है और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होने वाली है। इस हेडफोन में आपको 50 mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपकी साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। इन हेडफोनों में आपको रोटेटेबल कप्स देखने को मिल जाते हैं। इनमें राइट को R से और लेफ्ट को L से डिनोट किया गया है और इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग और या फिर पैडिंग कह सकते हैं आप, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। लेदर की पैडिंग है और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके अंदर आपको एक अच्छी खासी क्लैंपिंग फोर्स देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर आपके सर को पकड़ के रखेंगी और काफ़ी ज़्यादा आपको साउंड में अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करेगी। और ये आपको इसके हेडरेस्ट है, इसमें भी अच्छी कुशनिंग देखने को मिल जाती है। अब हम इस हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये हेडफोन स्टीरियो हेडफोन्स होने वाले हैं जो कि मेनली यूज़ किए जाते हैं बड़े बड़े सिंगर्स के द्वारा ताकि उनको जो भी है म्यूज़िक अच्छे समझ में आए और अच्छा वो सिंग कर सकें उसे। अगर आप मेरी तरह बेस लवर हैं तो आपको ये हेडफोन्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं क्योंकि इसकी जो बेस की क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसकी ट्रेबल की भी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जिसमें आप समझ पाएंगे कि कौन सा म्यूज़िक कहाँ बज रहा है, कौन सा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे बज रहा है, आपको एकदम क्लियरली सुनाई देगा आपको। तो आप समझिए इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये 2500 के अंदर आप समझिए इसको कंपेयर करने के लिए मेरे को 9000 रुपये के हेडफोन्स यूज़ करने पड़े जो कि है ऑडियो टेक्निका के M40X। M40X थोड़े अच्छे हैं इससे, पर इसकी जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी इसको टक्कर दे रही थी। ये हेडफोन्स आपके वायर्ड हेडफोन्स होने वाले हैं और इन हेडफोन्स को मैं 1 साल से ज़्यादा से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे को। मेरे को अभी तक मैंने इसके अलावा और कोई हेडफोन अभी तक नहीं खरीदा है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी बढ़िया है कि अभी तक मेरे से कितनी बार ये गिरा है मेरे को खुद याद नहीं है, लेकिन इसकी अभी तक इसे कुछ भी नहीं हुआ, एक हिस्सा तक नहीं टूटा इसका। इन हेडफोन्स में सिर्फ एक ही ख़राब चीज़ है, वो है इनकी क्लैंपिंग फोर्स। इसकी क्लैंपिंग फोर्स इतनी ज़्यादा है कि आप 1 घंटे से ज़्यादा गाना नहीं सुन पाएंगे, आपके जो कान में है वो दर्द होना शुरू हो जाएगा, लेकिन टाइम टू टाइम इसका क्लैंपिंग फोर्स ठीक हो जाता है और काफ़ी सही हो जाता है। अगर आप इन हेडफोन्स को गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो आप बेशक ले सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी अच्छी गेम साउंड भी आपकी आती है। इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग होने वाली है वो है 2200 रुपीज़। इसमें आपको ये जो प्रोडक्ट है ये अमेजोन पे बेस्ट सेलर है। अमेजोन पे बेस्ट सेलर होना कोई आम बात नहीं है और ये इसकी क्वालिटी को डिनोट करता है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।